हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल स्टडी ट्रेजर। बाय द वे, वेलकम टू क्लास 10th। ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साल आपका बोर्ड है और आपको बोर्ड की तैयारी करनी होगी। इसलिए जी जान से मेहनत करना होगा, और इस जी जान से मेहनत की हेल्प के लिए, बोर्ड की एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प, उसमें हेल्प के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे इस बोर्ड यानी कि क्लास 10th के सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे मोस्टली 6 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, 1 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। तो सबसे पहला है रियल नंबर्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं रियल नंबर्स से। तो रियल नंबर्स में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो ये हैं: इंट्रोडक्शन, यूक्लिड डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, रिवीजन, रिवीजिंग इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के पार्ट पे। तो रियल नंबर्स क्या आप जानते हैं रियल नंबर्स होता क्या है? तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है: द टाइप ऑफ नंबर वी नॉर्मली यूज सच एज 1, 15.8582, 4.3, -0.5 एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जो नॉर्मल हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे घर में, स्कूल में इस्तेमाल होता है, वही होता है रियल नंबर्स। और इसे हम रियल नंबर्स क्यों कहते हैं? दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स बिकॉज दे आर नॉट एन इमेजिनरी नंबर, क्योंकि वो इमेजिनरी नहीं होते, यानी कि हम इसे ख्यालों में नहीं, सपनों में नहीं सोचते, क्योंकि वो रियल होते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसे रियल नंबर्स कहते हैं। तो रियल नंबर्स के, जैसे कि जानते हैं, रियल नंबर्स के बहुत पार्ट होते हैं। तो रियल नंबर्स के पार्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के दो पार्ट हैं, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। एंड इंटीजर्स के दो पार्ट हैं, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। होल नंबर्स के भी दो पार्ट हैं, जीरो एंड नेचुरल नंबर। तो बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसे हम नहीं लिख सकते, ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि √3, √5, √7, रूट के फॉर्म में होता है। इसे हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो क्यू है वो जीरो कभी नहीं हो सकता, वरना वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जैसे कि 1/2, 5/2, 3/2, ये हो गया रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के भी दो पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। तो फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यूब फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि रैशनल नंबर्स में है 3/2। अगर हम 3 भी लिखें तो ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ये नीचे 1 लगा हुआ, तो ये भी रैशनल नंबर ही है, इसे हम इंटीजर्स कहेंगे। ये 3x सिर्फ इंटीजर्स है, और इसे लगा के हम फ्रैक्शन बना देते हैं। तो फ्रैक्शंस क्या है, जैसे कि हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें 3/1, 2/5, 6/8, ये क्या है, फ्रैक्शंस है। अगर ये इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में क्या है, -2, 5, 6, 8, 6, 9, तो ये हो गया इंटीजर्स। तो यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी लगा सकते हैं, इंटीजर्स है, इंटीजर्स में माइनस और प्लस दोनों होता है। तो इंटीजर्स के भी दो पार्ट हैं, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स में अब यहाँ पे अलग हो जाता है, नेगेटिव इंटीजर्स में सिर्फ नेगेटिव नंबर आते हैं, -2, -5, -8, -6, -9, तो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। और होल नंबर में, होल नंबर में सभी आते हैं, मतलब कि माइनस को छोड़कर सभी आते हैं जीरो के ऊपर, होल नंबर मतलब 0 to infinite कितना नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो अब होल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। तो जीरो यानी कि जीरो एक डेफिनेट एक ही होगा, जीरो होगा, और नेचुरल नंबर्स जो 1 to infinite, एक से लेके इन्फाइनाइट कहीं तक, जहाँ तक होती है गिनती हम जानते हैं, तो वो हो गया 1 to infinite। तो ये था इंट्रोडक्शन रियल नंबर्स का। तो अगले चैप्टर में हम, अगले वीडियो में हम करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इस वीडियो के लिए बाय बाय। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।